नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू और लाजवाब वीडियो में स्वागत है। क्योंकि इस वीडियो में थारा भाई क्रिएशन आपको ऐसी जानकारी बताएगा जिसे देख करके आपको मजा आ जाएगा। और वो कैसे, तो यार जैसे ही आप लोग गेम ओपन करोगे, मोड पर जाओगे, क्रेफलैंड पर जाओगे, तो यहाँ पर न्यू टोकन आई है जिसका नाम है क्रेफलैंड टोकन। और इस वाली टोकन को एक्सचेंज करने पर बहुत बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड मिल रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा स्टोर पर, रिडीम पर, और सबसे नीचे ये देखो, ये है क्रेफलैंड टोकन। तो इस वाली टोकन को एक्सचेंज करने पर ये देखो कितने सारे फ्री में रिवॉर्ड मिल रहे हैं, यहां तक कि मैजिक क्यूब की भी फ्रेगमेंट मिल रही है। और ये रिवॉर्ड यहीं खत्म नहीं होते, हम लोगों को क्रेफलैंड टोकन से इन गेम जो क्रेफलैंड का मैप है ना, उसके अंदर भी आइटम मिलने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि आज के समय में हमारे गेम में गोल्ड कॉइन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो इस वाली टोकन को इकट्ठे करते हुए आप सभी को बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी मिलने वाले हैं और भी बहुत सारे फ्री में रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। और उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा क्रेफलैंड पर, होम पर, और जैसे EXP पर क्लिक करोगे तो ये जो मिशन है ना, तो जो भी ये वाला वीडियो देख रहा है उन सभी को ये सारे गोल्ड कॉइन तो मिलेंगे ही, साथ ही में क्रिएटर इन एक्शन वाला इमोट भी फ्री में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो क्रेफलैंड टोकन है ये ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलने वाली है। क्योंकि ये देखो, इस वाली टोकन के बारे में लिखा हुआ कि ये वाली टोकन क्रेफलैंड मैप में गेम खेलने पर मिलेगी और मिशन कंप्लीट करने पर मिलेगी। तो इस वाली टोकन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड इस वाली वीडियो में रिडीम वाले सेक्शन की जानकारी यहीं खत्म नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो रेड FF टोकन है ना, इस वाली टोकन को एक्सचेंज करने पर कौन सा नया बंडल आने वाला है। एक्चुअली में मेल का बंडल आने वाला है, तो कौन सा मेल का बंडल आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मैजिक क्यूब है, अभी मैजिक क्यूब के स्टोर पर 8 नए रेयर बंडल ऐड हुए हैं, तो इन वाले बंडल को एक्सचेंज करने के लिए हम लोगों को लगेगा मैजिक क्यूब। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको फ्री में मैजिक क्यूब कैसे मिलेगा। तो यार बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। एंड यार जैसे कि आपको पता होगा, हमारे गेम में CS रैंक का सीजन 19 स्टार्ट हो चुका है। तो हीरोइक रैंक पर जाने पर हम सभी को एक नहीं दो दो ग्लोवाल की स्किन फ्री में मिलने वाली है। और वो कैसे, उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इवेंट पर। देन जैसे इवेंट पर जाएंगे तो हमारे गेम के अंदर ये वाला इवेंट आने वाला है जिसमें लिखा हुआ है गेट टोकन फॉर एक्सक्लूसिव हीरोइक। और इसमें एक बार हीरोइक रैंक पर जाने पर हम सभी को हीरोइक टोकन मिलेगी और इस वाली टोकन को एक्सचेंज करने पर हम सभी को ये वाली ग्लोवाल की स्किन मिलने वाली है जिसका नाम है मेटेलिक हीरो और इसके ऊपर हीरोइक रैंक का आइकॉन बना हुआ है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 3 बार हीरोइक रैंक पर जाने पर गोल्डन ग्लोवाल मिलने वाली है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों ग्लोवाल हमारे गेम में किस इवेंट में आने वाली है और कैसे फ्री में मिलेगी। बात तो सही है। एंड यार आइए अब मैं आपको एक ऐसे इमोट के बारे में बताने वाला हूँ जिस इमोट को देख करके आप लोग अपने बचपन में चल जाओगे और आपके बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। क्योंकि ये देखो, हमारे गेम में दी क्रोमाटिक फिनिश नाम का इमोट आने वाला है। और ये वाला इमोट फ्री फायर में जितने भी इमोट है उन इमोट में से मेरा सबसे फेवरेट बन चुका है, क्योंकि यार ये मेरे बचपन की यादें को ताजा कर रहा है। तो पता है, इस वाले इमोट को करने पर बैकग्राउंड में एक साउंड भी आएगा, तो इस इमोट को ग्रुप में करोगे तो कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए ना, लॉबी में ये वाला इमोट करने पर कितना मजेदार लग रहा है। तो सोचो अगर इस वाले इमोट को गेम खेलते खेलते यूज करें तो कितना फनी लगेगा। तो यार ये वाला इमोट जब भी हमारे गेम में आ जाए, इस वाले इमोट को आपका भाई निकालने वाला है। तो आई होप आप सभी को ये वाले इमोट का रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जानकारी की तरफ। वाह क्या सीन है। तो यार आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे मीम के पिटारे से एक और फनी वाली मीम जिसे देख करके आप लोग हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। गाड़ी स्टार्ट कर। ये देखो, ये भाई फ्री फायर खेल रहा है और इसका फोन इतना गर्म हो चुका है ना कि इसके फोन से धुआं निकल रहा है। सो फोन रिएक्शन बी लाइक। ठीक है, 512 MB रैम में फ्री फायर खेल रहा है, ऊपर से पीछे स्पॉटिफाई चला रखा है, गाना सुनेगा, अगली बार धुआं मोबाइल से तेरे समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो देखो यार, मीम तो बहुत खतरनाक थी, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, अगर चार्जिंग पे रख करके फ्री फायर खेलोगे या फिर कोई भी भारी भरकम वाला गेम खेलोगे तो फोन बहुत गर्म भी होगा या फिर कभी कभी फट भी सकता है। तो चार्जिंग पे रख करके कभी भी गेम मत खेलना। और पता है, मेरी नजरों में रियल लेजेंड प्लेयर वही है जो कि कम रैम के डिवाइस में भी अच्छा गेम प्ले करता है। तो आप सभी लोग कमेंट में ये बता दो कि आपका डिवाइस कौन सा है, उसकी रैम कितनी है। सो आई होप आप सभी को ये वाली मीम पसंद आई होगी, रिलेटेबल लगी होगी। तो यार वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़े उसके पहले एक चीज बताऊं, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है,
तो उस मेहनत के लिए लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक करने के लिए 102 सेकंड लगता है। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर देना। और पता है हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने कर दिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपके दोस्तों ने नहीं किया तो उन्हें बोलो कि जाकर के सब्सक्राइब कर दे भाई का चैनल, तभी तो आपको फेस रिवील वाला कंटेंट और भी मजेदार कंटेंट देखने मिलेगा इस चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए देख पाएगा। तो यार आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्पाइडरमैन मकड़ी मैन इवेंट के बारे में, क्योंकि 10 जून को स्पाइडरमैन इवेंट का पीक डे रहने वाला है। तो पीक डे तक हम सभी को ये सारे रिवॉर्ड फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये जो पंक गिटार सर्प बोट की स्किन है ना, ये कुछ इस टाइप से दिखने वाली है। अच्छा अब मैं आपको आसान भाषा में ये बताने वाला हूँ कि हमारे गेम में जो स्पाइडर सेंस का इंटरफेस आया है ना, इस वाले इंटरफेस को कैसे कम्प्लीट करना है, क्योंकि इसे कम्प्लीट करने पर हम सभी को स्पाइडर सेंस का ये वाला इमोट फ्री में मिलने वाला है। तो इस वाले इमोट को फ्री में क्लेम करने के लिए हम लोगों को मिशन पर जाना है। यहाँ पर 10 गेम खेलना है, तो 10 खेलने पर हम सभी को 10 टोकन मिल जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास टोकन हो जाती है, हम लोगों को स्पिन मारना है, हम लोगों को कार्ड मिलेंगे, और जो कार्ड नहीं मिलेगा उसके ऊपर ये देखो हार्ट का आइकॉन बना हुआ है, इस हार्ट के आइकॉन पर क्लिक करना है। तो हमारे जो फ्रेंड लिस्ट में कोई भी बंदा अगर हम लोगों ने जो हार्ट वाले कार्ड पर क्लिक किए थे वाले कार्ड को गिफ्ट कर देता है, तो उस कार्ड को एक्सचेंज पर जाकर के क्लेम कर लेना है। जैसे ही कार्ड मिल जाएगा, मान लो सारे कार्ड एक एक हो गए, तो हमारा पहला लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके 10 लेवल पर जाएंगे तो हम सभी को ये वाला इमोट मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप सभी को इवेंट को कंप्लीट करना है। अगर आपको और कुछ जानना होगा इस इवेंट से रिलेटेड तो कमेंट में बता देना। 2 seconds later. तो यार आइए फाइनली अब मैं आपको क्रेफलेन टोकन के रिवॉर्ड और क्रेफलेन टोकन कैसे मिलेगी ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि क्रेफलेन टोकन कैसे मिलेगी। तो इस वाली टोकन को क्लेम करने के लिए आप लोगों को लॉबी में आना है, मोड पर जाना है और क्रेफलेन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको वो वाला मोड चूज करना है जिस मोड के ऊपर आपको ये जो क्रेफलेन टोकन है ना, इस वाली टोकन का आइकॉन बना हुआ है। तो ये वाला मोड आपको देखने मिल जाएगा रिकमेंडेड पर, देन यहाँ पर आपको ऑफिशियल रिकमेंडेशन पर आना है, देन सेकंड नंबर पर देखो ये है सोलो टावर 2.0, इस वाले मोड पर क्लिक करना है। एंड अगर बाय चांस आपको ये वाला मोड नहीं मिलता तो आप लोगों को ये जो कोड है ना, इस वाले कोड को सर्च कर लेना है, तो ये वाला मोड आ जाएगा। और एक बार बता देता हूँ, आप सभी को वही वाला मोड खेलना है जिस मोड के ऊपर क्रेफलेन टोकन का ये वाला आइकॉन बना हुआ होगा, जैसे कि सोलो टावर 2.0 मोड में इसका आइकॉन बना हुआ है। अच्छा ये तो बात हुई कि कैसे मोड को चूज करना है। जैसे मोड को चूज कर लोगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसके बाद में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देन गेम स्टार्ट होगा। तो अभी मैंने आपको जिस मोड के बारे में बताया ये 1v1 है। अगर आप लोग हार भी जाओगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को क्रेफलेन मोड में ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करना है। जैसे कि ये देखो मेरा गेम पूरा कंप्लीट हो गया, मैं मैच को विन भी कर गया, उसके बाद में जैसे ही मैंने बैक किया तो यहाँ पर मेरा गेमिंग ड्यूरेशन है 5 मिनट। तो 5 मिनट खेलने पर मुझे 6 टोकन मिल गई, 10 मिनट खेलोगे तो 12 टोकन मिल जाएगी। मतलब कि आप लोग जितने ज्यादा टाइम व्यतीत करोगे गेम में उतनी ज्यादा टोकन आपको मिलती जाएगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वाली टोकन का गेम में क्या यूज होने वाला है। तो ये देखो जैसे गेम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो गेम में ये वाली जो टोकन है इसकी वैल्यू होगी 1 FF कॉइन के बराबर गेम के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग गेम खेलोगे तो आपको ग्लोबल बफ मिलेगा। जैसे कि ये देखो मेरी हेल्थ है 200, मैंने 1 टोकन के बदले में 100 HP का बफ खरीदा तो मेरी हेल्थ हो गई 300। अब ऊपर देखो कॉर्नर पर मेरे पास है 16 टोकन, फिर से मैंने 100 HP का बफ खरीदा तो मेरी हेल्थ हो गई 400। इसी टाइप से क्रेफलेन के अलग अलग मोड में हम लोग बंडल खरीद सकते हैं, गन की स्किन खरीद सकते हैं, बफ खरीद सकते हैं। सो इस वाली टोकन को कलेक्ट करते करते आप सभी को EXP भी मिलेगी, जिससे आप लोग ड्रीमर 2 से ड्रीमर 3 पर जा सकते हैं, और लास्ट में आप सभी को क्रिएटर इन एक्शन वाला इमोट भी मिल जाएगा। इस टाइप से आपको क्रेफलेन के मिशन वगैरह कंप्लीट करके टोकन वगैरह कलेक्ट करना है। सो आई होप आप सभी को ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर मुझे और भी कोई तरीका पता चलेगा ये क्रेफलेन टोकन को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने का तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो यार अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्री में मैजिक क्यूब कैसे मिलेगा। तो फ्री में मैजिक क्यूब लेने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि क्रेफलेन टोकन कलेक्ट करो ज्यादा से ज्यादा, और टोकन को एक्सचेंज करने के बदले में मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिलेगा, और 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट के बदले में 1 कम्प्लीट मैजिक क्यूब मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है फ्री का इवेंट, जो कि 6th एनिवर्सरी इवेंट के टाइम आने वाला है, क्योंकि पूरा 6th एनिवर्सरी इवेंट मैजिक क्यूब की थीम पर ही डिजाइन किया गया है। और पता है रेड FF टोकन को एक्सचेंज करने पर मिडनाइट राइडर बंडल आने वाला है। सो वाला वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए इसकी कंफर्म डेट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।